मबाहिसेन का सबक नंबर 11 तस्दीरुल किताबि बितस्मियति वल हमदला। أيما كتاب تنظر في الدنيا ففي بدئه تجد التسمية والحمد لله هذا لماذا أي سبب لهذا فنبينه اليوم في درسنا كل مصنف يصدر الكتاب بتسمية والحمد لله لأي وجه له أوجه كثيرة صحيح مصنفين رحمة الله عليه رحمهم الله किताब की शुरू में बिस्मिल्लाह लाते हैं और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लाते, बाज़ हज़रात फिर अल्हम्दुलिल्लाह लाते, बाज़ हज़रात उसके साथ दुरूद शरीफ वगैरह कुछ और कलिमात भी जिक्र करते, तो इसके आखिर क्या वजह है? आज की सबक में हमारी ये बहस है ना, जब कोई मुसन्निफ़ शुरू में बिस्मिल्लाह जिक्र ना करे ना या अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र ना करे तो उस पर लोग एतराज़ करते हैं। हज़रात ये थे कि आपने बिस्मिल्लाह अगर क्यों जिक्र नहीं किया, क्योंकि कुरान शरीफ भी बिस्मिल्लाह के साथ शुरू हो चुका है ना, कुरान शरीफ के शुरू में भी बिस्मिल्लाह है, हदीस में भी बिस्मिल्लाह है। पैगंबर अलैहिस्सलाम जब किसी को ख़त भेजते थे ना दावत वगैरह के लिए तो उसमें भी शुरू में बिस्मिल्लाह होती थी, तो आप क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है आपके पास कि आप बिस्मिल्लाह जिक्र नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर वो सब बातें जिक्र कर रहे। देखिए, जब कोई मुसन्निफ किताब लिख रहा हो ना तो शुरू में अल्हम्दु दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह जिक्र करता है, वो इसलिए कि बिस्मिल्लाह के ज़रिए से बरकत हासिल करना है ना, तयम्मुन हासिल करना है, और असल में अल्लाह से क्या तलब करना है, तरीक़ुर रशाद हिदायत का रास्ता। और हदीस शरीफ में है कि कुल्लु अम्रिन ज़िबानिल्लाह युब्दौ फीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वह वक्ता। इबन माजा की हदीस है कि जो काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू न किया जाए ना वो दुमबुरीदा होता है। इसलिए मुसन्निफीन हजरत क्या करते, इस हदीस पर अमल करते। खलफ सलफ हजरत का यही अमल रहा है कि वो शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जिक्र करते हैं। अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्फाज में ना लेकिन मुँह से तो ज़रूर कहते हैं, मुँह से कह देते हैं। और इस तरह से कुरान शरीफ में भी आया है ना कि इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह के नाम से पढ़ो, अल्लाह के नाम से शुरू करो ना, तो अल्लाह के नाम से शुरू करना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है ना। फिर इसी तरह से अलहमद शरीफ भी मुसन्निफ़ीन हज़रात ज़िक्र करते हैं, क्योंकि अलहमद शरीफ के मुतालिक भी हदीस में आया है ना कि कुल्लु अम्रिन ज़िबालिल्लाहि युब्दौ फीह बिलहम्दिल्लाहि फहुव अक़्ता, कि जो काम अलहमदिल्ला के साथ ज़िबाल मना अहम काम अगर शुरू न किया जाए ना अलहमद के साथ या बिस्मिल्लाह के साथ तो वो काम तर होता है, तुम बुरीदा होता है, नुकसान करता है, पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर दो हदीसों में बज़ाहिर तो तारुज़ नज़र आते हैं, एक जगह पर कह रहे कि बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करो, दूसरी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ शुरू करोगे तो क्या करोगे? एक जगह पर तो शुरू नहीं कर सकते ना, दो ज़ुबानें तो हमारी नहीं है ना कि एक ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरे से बिस्मिल्लाह के क्या करेंगे यहाँ पर। तो इस हदीस का ये मतलब नहीं कि बस क्या करे, किसी को आगे कर ले, जैसे बाज़ क्या करते हैं इब्तिदाई हक़ीक़ी इब्तिदाई इज़फ़ी की बात करते, नहीं, असल में मकसद इन हदीस ये है कि जो मकसूदी काम होना आपका ज़िक्रुल्लाह से शुरू करो, तो यहाँ पर भी बिस्मिल्लाह से शुरू करना, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करना, दोनों का हासिल क्या है? ज़िक्रुल्लाह से शुरू करना यार, दोनों का मकसद है अल्लाह के नाम से शुरू करो, अल्हम्दुलिल्लाह में भी अल्लाह की सिफ़त है, बिस्मिल्लाह में भी क्या है, अल्लाह की याद है, तो मकसद क्या है, अल्लाह की याद रखनी चाहिए उसमें। तो इसलिए हज़रत मुसन्निफ़ीन क्या करते हैं, किताब की शुरू में अल्हम्दु और बिस्मिल्लाह जिक्र करते हैं ना कि जिक्र इलाही से बरकत होती है। और मुसन्निफ़ीन का जो दस्तूर अंदाज़ है वो तो यही करते कि शुरू में क्या करते बिस्मिल्लाह और सानियन अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र करते हैं ना, इसलिए हर मुसन्निफ़ की कोशिश होती है कि पहले बिस्मिल्लाह फिर तहमीद जिक्र करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करने से इतबार से बिया हम होते हैं ना कि रक्स शुक्र हदीस शरीफ में आया है ना,
अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? रसु शुक्र है। और अल्लाह की अजमत के इजहार के लिए, किबरिया के इजहार के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह जिक्र करेंगे ना। उसमें क्या है? अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफात है। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत सारी नेमतें फरमाई है ना, उनकी बका के लिए हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, क्योंकि अल्हम्दु शरीफ से नेमतें बढ़ती है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी जिक्र करते हैं ना कि अल्लाह की रज़ा भी तो मतलब होती है ना, अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं जब कोई चीज़ लिखते हैं या किताब वगैरह। और फिर ये जो हमद है ना, ये हम अल्लाह ताला की जिहत तफजील की वजह से करते हैं ना, जिहत इस्तिख़फ़ाफ़ और इस्तेहज़ा की वजह से नहीं करते। अगर आप किसी के मुतालिक झूठी तारीफ कर दें तो झूठ हो जाएगा ना, इस्तेहज़ा है हा? और हम अल्लाह की जो तारीफ करते हैं वो क्या है? हकीकी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह में जो लाम है ना, अल अल जो है ना, अल ये अलिफ लाम इस्तिग़राकी है, मतलब है कि तमाम अपराध हमद अल्लाह के लिए साबित है। मुसन्निफ़ीन हज़रात की नीयत भी होती है कि तमाम अपराध अल्लाह के लिए साबित है ना, सिर्फ मेरी हमद नहीं बल्कि तमाम हमद अल्लाह के लिए क्या है? साबित है। अम्मा बाद, ये अम्मा बाद वाले कलिमा भी किताब में लाया जाता है। सर खुताबा हजरत भी क्या करते हैं? हम्द सना के बाद अम्मा बाद जिक्र करते हैं ना। अम्मा बाद पाऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आयत वगैरह हदीस पढ़ते हैं। ये क्या कलिमा है? अम्मा बाद, ये अम्मा जो है ना, अम्मा ये मुतज़म्मिन मनाए शर्त को होता है ना। जैसे कि दे अम्मा ज़ैदुन फमुंतलिकुन महमा यकुन मिन शैइन फ़ैदुन मुंतलिकुन, मतलब इसका ये है अम्मा ज़ैदुन फमुंतलिकुन का क्या माना है? महमा यकुन मिन शैइन, जो भी हो और जो भी हो जाए, ज़ैद को ज़ैद तो जाने वाला ही है, वो तो रुकने वाला नहीं है। फ़ैदुन इसलिए शुरू में क्या करते हैं? संगीवी का ना, जैसे भी हो, महमा कुन चरता की हुई, जह भी हो या जिस भी हो के माने में है। अम्मा बाद वाले कलिमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी खिताब में शुरू फरमाया था ना, तो उससे उलमा हजरत ने अमल में लिया कि वअतैनाहु अल-हिकमत व फसल अल-खिताब। फसल खिताब से क्या मुराद है? इन्हें फैसले करना ना, और फसीख ज़ुबान में क्या करना? तकरीर करना, बयान करना। और अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई थी, साथ साथ क्या कर सकते थे? वाज़ेह फैसले भी करते थे। इन्हें क़ज़ा का काम और फैसलों का काम भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम करते थे। जब हम नहव की गरज़ बयान करते ना, गर्ज़ हो गया, तो उस वक्त लोग कहते सुयानतु ज़हन अनिल ख़त्वा। या पर कैसे आपने कहा कि सुयानतु ज़हन अनिल ख़त्वा, कि गलती से जहन का बचाना, जहन तो नहीं बचाया जाता, ज़बान बचाई जाती है ना। किसको बचाया जाता है? ज़बान बचाई जाती है ना, कि उससे गलती सागर ना हो, कोई ग़लत लफ्ज़ हमारी मुँह से ना निकले। अगर आपने कहा कि अना यज़हब, तो ये क्या हो गया? ज़बान की गलती हो गई, तो जहन की गलती नहीं है। तो हज़रत से जहन ने आपको कहा ना कि लफ्ज़ निकालो, क्योंकि जहन क्या करने वाला है? बरसाने वाला है ना अल्फाज का। मुँह तो क्या है? त्रिशर के किसकी तरह है? मुँह की तरह। जैसे त्रिशर क्या करते? जब त्रिशर हम करते ना, तो उस वक्त गंदम नीचे गिर रहा होता है ना, लेकिन ऊपर से डाला जाता है ना, गंदम के खुश और गस ऊपर से डाल देते हैं और नीचे दाने निकालते हैं। सही, तो जो कुछ ऊपर से आते नीचे निकालते हैं ना, तो सियाना तो जहन भी सही है। सही, सियानतुल्लिसान अनिल खत्वा भी कह सकते हैं। सही, तो जो भी कहा है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इसी कोई खास बात नहीं है। नहवी का मौजू क्या है? मौजू अल कलिमतु वल कलाम। नहवी में जो बात हम करते ना, कलिमे और कलाम से करते ना,
तो दो कलिमे मिलकर उससे कलाम बन जाते हैं ना, कलाम जुमले को कहते हैं ना। फिर जुमले में आप देखिए आपको इसम भी मिलेगा, फेल भी मिलेगा, हर्फ भी मिलेगा, फिर हर्फ पे शर्त भी हो सकता है, हर्फ पे तंबी भी हो सकता है वो हर्फ, हर्फ पे रदअ भी हो सकता है वो हर्फ, सीन भी हो सकता है, सौब भी हो सकता है वो, फेल मजी भी हो सकता है, फेल मुजारे हो सकते हैं, फेल फेल लन तकीद के साथ हो सकता है, लम के साथ हो सकता है, लम जहत के साथ, हाँ अमर हो सकता है, फिर अमर गायब हो सकता है, हाजिर हो सकता है। तो देखिए जुमले में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, इसी तरह इसम हो सकता है, जुमले में इसम भी होता है, फिर वो इसम कौन सा इसम है, हाँ असमा इशारात वाला से है, इसमें ज़मीर है, इसमें मौसूल है, कौन सा इसम है, तो इससे जुमले बनाए जाते हैं दुनिया में। अब देखिए मसलन हमें यहाँ पर एक जुमला कहते हैं आपके सामने अरबी की, आप कह रहे कि अल इंसानु हैवानुन नातिकुन, इंसान एक ऐसा जानवर है जो बात भी करता है, अल इंसानु हैवानुन नातिकुन। तो देखिए अल इंसान भी क्या है, एक इसम है हमारे सामने, क्यों इसम है बताओ ज़रा, क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल, अलिफ लाम अलामत किसकी है, इसम की अलामत, अल इंसानु, अल इंसानु हैवानुन नातिकुन, हैवानुन नातिकुन क्या है, फेल है या इसम है, इसम है, क्योंकि हैवानुन पर तनवीन है, तनवीन इसम की अलामत है, नातिकुन क्या है, क्यों इसम है, किस पर तनवीन है, दूसरी अलामत क्या है कि इस पर जो तनवीन है पहले वाले इसम पर भी है, वो मौसूफ है, मौसूफ भी इसम की अलामत है, फेल मौसूफ नहीं होता, और नातिकुन इसकी सिफत है, सिफत भी इसम की अलामत है, तो दूसरी अलामत हो गई आपके सामने, घोड़ा हिनहिनाने वाला जानवर है, अल्परसु मुब्तदा हैवानुन स्वाहिलुन मौसूफ सिफत खबर। इस तरह आपने कहा कि अलकल्बु हैवानुन नाबिखुन, कुत्ता भौंकने वाला जानवर है, भौंकता है ना, हैवानुन नाबिखुन मौसूफ सिफत। इस तरह आपने कहा कि अद्दजाजतु तबीजो, मुर्गी अंडे देती है, अद्दजाजतु मुब्तदा तबीजो फेल, इसमें ज़मीर इसके लिए फाइल, फेल फाइल बल्कि खबर मुब्तदा खबर जुमले इस्मिया। गुलबदीन यज़हबु इला सूक वयश्तरी दज्जाज, वयश्तरी अलबैज़ात, गुलबदीन बाजार जाता है फिर वहाँ पर अंडे खरीदते हैं, गुलबदीन मुब्तदा यज़हबु इला सूक, इला सूक के साथ मुतालिक है ये मौतूफ अलैह, वयश्तरी अलबैज़ात, यश्तरी फेल फाइल अलबैज़ात मौकूल, फिल फैल मौकूल मिलकर मौतूब, मौतूब मौतूब वाले मिलकर खबर मुब्तदा खबर जुमले इस्मिया। हाँ।